हो गया 1616 का नेक्स्ट नंबर 1717। फिर नेक्स्ट आ जाएंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे 4949 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है बताओ। 9 के बाद नई लाइन शुरू हो जाती है ना, तो 9 के पहले 4 के बाद क्या लिखा है 5 और 9 के बाद 0, 5050। और लाइन से टच करके करेंगे, ठीक है। ये हमारे नेक्स्ट नंबर कंप्लीट हो गए। जिन बच्चों ने नहीं करा हो बेटा, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ये हमारा क्लास वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ पे होमवर्क डालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, डेट। और डेट क्या है हमारी, 9-8-2021। फिर लिख दो यहाँ पे H.W. ठीक है। और ऊपर अपना होम नेम, और आज इसको आपको इसमें काउंटिंग करनी है 1 से लेके 50। तो सुबह मॉर्निंग में 21 to 50 करी थी, आज हम 1 to 50 काउंटिंग करनी है। हेडिंग डालो, हेडिंग आप लोग डाल सकते हो बेटा, डालो 1। फिर 1 फिंगर का गैप छोड़ के लिखो TO2। बनाओ मेरे साथ साथ 1 TO2 लिखो बच्चों। फिर 1 फिंगर का गैप छोड़ के लिखो 5050, ऐसा करके लिख लिया। अब फिर 1 फिंगर का गैप छोड़ो, अब मेरे साथ काउंटिंग की हेडिंग डालो, लिखो COU, लिखो C, फिर OU, COU, N, COUN, T, I, लिखो N, G, काउंटिंग, COUNTING, काउंटिंग हो गया। अब आपको यहाँ से 1 से लेके 50 तक काउंटिंग लिखनी है, जल्दी से करेंगे और सुंदर सुंदर राइटिंग में करना है बेटा, लाइन से टच करके। यहाँ से 1 11 की लाइन आ जाएगी, यहाँ पर 21 की लाइन आ जाएगी आपकी, 31 की आ जाएगी, और ये 41 की लाइन आ जाएगी, ठीक है। प्रॉपर लाइन से टच करके आपको, ठीक है, लाइन से टच करके प्रॉपर राइटिंग में आपको ये 1 to 50 काउंटिंग लिखनी है। ये हमारा होमवर्क और ये हमारा क्लास वर्क कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। बाय बाय बच्चों।